हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिना दुरानी। हमारा जो छोटा सा इंटरव्यू था मेरी बहनों के साथ, आप लोगों को बहुत पसंद आया और आप लोगों ने बहुत सराहा उसको। हमें जान के बहुत खुशी हुई कि आप मेरी मदर मैडम नूरजहान के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, उनकी लाइफ के किस्से जो हैं आप इन्जॉय करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको एक ऐसी शख्सियत से इंट्रोड्यूस कराऊँ जो उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। हम चूँकि ज़्यादातर हम बोर्डिंग स्कूल में रहे और हमारी शादियाँ हो गई, तो हम उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में इतना जानते नहीं थे। ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ तो हमें सब मालूम थी। इनका नाम है मोहम्मद असलम, अच्छी मियाँ इनको बोलते हैं। मेरे अम्मी के कंपेनियन, मेरे अम्मी के बेटे, भाई, मैनेजर, अ वेरी गुड म्यूजिशियन। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो मेरी मदर के साथ गुजारा टिल शी पास्ड अवे। सो उनको अम्मी के ऐसे ऐसे वाक़यात कुछ याद हैं जो हम जानते नहीं या हमने जिनके बारे में सिर्फ सुना है, मगर वो इन सब वाक़यात में उनके साथ मौजूद थे, हर कदम पे उनके साथ थे। हमारे बहुत दिल अजीज़ हैं, पसंदीदा शख्सियत है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो मैं आपको आज अच्छी भाई से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी बिटिया। मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि आजकल तो नहीं, काफ़ी अरसे से आप न्यूयॉर्क में रहते हैं और बहुत कम पाकिस्तान आते हैं, और आपने स्पेशली वक्त निकाला है आज कि मुझसे गुफ्तगू करें और हम चंद अच्छी अच्छी बातें अम्मी की बाकी ऑडियंस के साथ शेयर करें। सो आई होप यू गोइंग टू बी इंजॉइंग दिस। आप बताइए, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा एक चीज़ आपने बताई कल ही बताई एक्चुअली, कि आपका नाम अच्छी मियाँ कैसे रखा गया। आपका नाम तो मोहम्मद असलम है ना? बिल्कुल, ये मेरा नाम मैडम जी ने रखा था। मैं छोटा सा था तो अच्छी अच्छी बातें करता था, तो मैडम जी कहने लगी मोहम्मद असलम ठीक नहीं है, तुम्हारा नाम अच्छी मियाँ है, और सारी दुनिया मुझे इसी नाम से जानती है, अच्छी मियाँ के नाम से। किस एज पे आप अम्मी को पहली मर्तबा मिले अच्छी भाई? मैं उस वक्त 11-12 साल का था, 5वीं क्लास में पढ़ता था। माय फादर इज़ म्यूजिशियन, और मेरे अब्बू की मैडम जी बहन बनी हुई थी। ये कलकत्ता बम्बा में इकट्ठे काम करते थे, बहुत ग्रेडू टर्म्स थे अम्मी के साथ। तो मैडम जी की मैंने एक दो पिक्चरें देखी, छोटा सा था, तो मैंने अब्बू को बोला अब्बू मैंने मैडम जी को मिलना है, खुदा के लिए मुझे मैडम जी मिलाएं। अब्बू कहने लगे ठीक है। मैं उस ज़माने में माल रोड सेंटेंसी में पढ़ता था, उस ज़माने में EMI में रेसलिंग हुआ करती थी, और मैडम जी रेसल करने के लिए आई और मैं वहाँ पहुँच गया। मेरे अब्बू भी थे, मेरे अब्बू ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरा बेटा है, तो मैडम जी ने मुझे गले लगा लिया, कहने लगी अनवर भाई ये आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा है। तो अबू कहने लगे ये आपके गाने को बहुत पसंद करता है, बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है। तो मैडम जी बहुत खुश हुई, बहुत प्यार किया मुझे, और फिर ऐसा होने लगा कि मैं दूसरे तीसरे दिन मैडम जी की रिहर्सल होनी, मैंने चले जाना, और मैडम जी मुझे अपने घर ले जाया करती थी। मैं घर चले जाना, मेरे अब्बू ने परेशान हो जाना कि अच्छी मियाँ कहाँ चले गए, तो फ़ोन करना मैडम जी को, कहना बहन अच्छी मियाँ आपके पास हैं? उन्होंने कहना हाँ हाँ क्या हुआ मेरे पास हैं। कहने लगे मैडम जी अब ये आप अच्छी मियाँ को अपने पास ही रखें, ये हमारा बेटा नहीं आपका बेटा है। वो कहने लगी हाँ अनवर भाई आपका बेटा क्या है, मेरा बेटा है। और फिर मैं सारी ज़िंदगी मैडम जी के पास रहा। इससे पहले, ज़्यादा रहने से पहले मेरे वालदैन फौत हो गए, फिर मैं मैडम जी के पास ही सारी ज़िंदगी रहा। मैं उनका म्यूजिशियन भी था, भाई भी था, बेटा भी था, मेरे बहुत रिश्ते थे उनके साथ, वो मेरी फूफी भी थी। और जब मैं कहीं अमेरिका जाना, लंदन जाना, सारी ज़िंदगी
मैंने फर्स्ट क्लास में सफ़र किया है। हालांकि मेरा टिकट तो इकॉनमी का हुआ करता था, और पायलट को बोल देना ये मेरा भतीजा है, ये मेरे साथ बैठेगा, दो तीन सीटें तो हुआ करती थी। तो उन्होंने कहना ठीक है मैडम जी, मैडम जी का कौन कहाँ टाल सकता है। तो बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से हम सफ़र करते थे, मैं बता नहीं सकता। वो ज़माना जब याद आता है तो दिल मुंह आ जाता है, बहुत परेशान हो जाता हूँ, और कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि उनकी याद ना आए, पल पल उनकी याद आती है। उन्हीं के दम से ये सारी इंडस्ट्री चलती थी, उनके जाने के बाद इंडस्ट्री तबाह हो बर्बाद हो गई। अगर मैं पाकिस्तान रहता तो रुल के मर जाता, लेकिन ये उन्हों की वजह से ही मैं अमेरिका में मुकीम हूँ। वहाँ मुझे एक शख्स था हामिद लतीफ़, वो मुझे मिला, उसने मेरी बहुत टेक केयर की, उसने मेरी ट्रांसलेशन भी की और मुझे अपने पास भी रखा। मैं उन्हीं अब तलक में उन्हीं के पास हूँ, वो बहुत अजीम हस्ती हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, उनकी वालदा का, बहन का, भाइयों का और जिलानी भाई का, सबका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, कलीम का भी। वो मुझे इतना प्यार देते हैं कि जैसा कि मेरे अपने ही हैं। तो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, दुनिया में अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। अच्छा मुझे बताइए अच्छी भाई, आपको अम्मी की शख्सियत में सबसे अच्छी बात क्या लगती थी, या कौन सी अच्छी ऐसी बातें थी जिनसे आप बहुत मुतासर हुए, जो जिनसे आप बहुत उनके करीब हुए, और अपनी फैमिली को छोड़ के आपने अम्मी के पास ज़्यादा रहना पसंद किया? सबसे पहले तो उनकी आवाज़ ही इतनी अच्छी थी, मेरे कानों की इतनी भरी लगती थी, मैंने सारे जहान को सुना, बहुत सी सिंगरों को सुना, लेकिन मैडम जी जैसा कोई है ना होगा, हज़ारों साल नहीं पैदा हो सकता जैसा कि मैडम नूर जहाँ जी थी। वर्ड जानता है, वर्ड प्यार करता है, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि वो फौत हो गई है, हमें यूँ ही महसूस होता है कि वो ज़िंदा है, और घर घर में उनके गाने बजते। आप हमेशा कहते हैं कि आपकी अम्मी जो हैं वो एक घरेलू औरत थी, आप हमेशा मुझे कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है अच्छी भाई? बिटिया ये बात, वो घरेलू खातून थी, और कभी अकबर भाई जान आ गए, अच्छू भाई जान आ गए, और फ़ोन आ गए कभी इस्लामाबाद से सिनेमा के, कभी क्या नाम लिया करें, ज़मीनें जो ख़रीदती थी उनके फ़ोन आ गए, प्रोड्यूसरों के फ़ोन आ गए, शायरों के फ़ोन आ गए, बच्चे आ गए, मसरूफ़ हो जाती थी, देर हो जाती थी। तो जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, हमारी रिकॉर्डिंग है 10 बजे, तो हम 2 बजे पहुंच रहे हैं, तो वो बहुत बुरा समझते थे, देखें कि मैडम जी कितनी देर लगाती हैं, अब देखते हैं ना किस तरह गाना करती हैं। एक मास्टर थे और वो कहते देखेंगे नूर जहान बनी बैठी है, देखने किमें कर दिए गाना। हमने कभी चुगली नहीं लगानी, हमने सिर्फ इतना कहना है कि मैडम जी संभल के गाइएगा। और वो जहाँ दीदा खातून थी, वो मुझे कहती अच्छी मियाँ आपको मालूम है ना, मौला मुश्किल कुशाइली का मेरे कंधे पे हाथ है। म्यूज़िक डायरेक्टर आया, कहना आए जी गाना दीजिए सुनाइए। अब वो बाजा लेके शुरू हो गया, वक्त तेरे तो नारा सजना, वक्त तेरे तो नारा सजना, तेरे नाले इंज रहना। मैडम जी ने मुझे आँख मार के ना मुझे कह रहा है। और मैडम जी ने अपनी न्यूट्रिशन खुद निकाली हुई थी। अब आई मैडम जी, अब ये म्यूजिक डायरेक्टर ने कह दिया मैडम के, वक्त तेरे तो नारा सजना, वक्त तेरे तो नारा सजना, वे तेरे नाले इंज रहना,
जिरना वे जिमे तुप नाले छांस जिना वक्त तेरे तू नरा सजना वक्त तेरे तू नरा सजना। और एक बार सुना है उसी वक्त मैक पे खड़ी हो गई और पहली टेक ओके ऐसी अल्लाह की तरफ से उनको अल्लाह ताला के इतना करम था। एक बार म्यूजिक डायरेक्टर सुना था तो उनका था, जब वो सीख लेती थी फिर उन्हीं का हो जाता था। ऐसी खातून ये बात अम्मी के बारे में बहुत मशहूर थी। अल्लाह की मेहरबानी से शाहनूर स्टूडियो में जब थी तो रोशन आरा बेगम आया करती थी, रोशन आरा क्लासिकल गाती थी, मैडम जी भी क्लासिकल गाती थी माशाल्लाह, बचपन से उन्होंने क्लासिकल सीखा हुआ था। तो जो चीज़ रोशन आरा ने कही मैडम जी ने उसी वक्त कह देनी, तो रोशन आरा कहती है ओ बाबा नूर जहाँ ते स्याही चट्टे, मैडम ऐसी जहीन थी, बहुत कमाल की खातून थी, इतनी मैंने दुनिया में ऐसी शख्सियत नहीं देखी जितनी वो बड़ी खातून थी। उनकी शख्सियत में क्या ऐसी खसूसी कोई बात है जो आपको बहुत जिसने इम्प्रेस किया, जिससे आप बहुत मानूस हुए और आपको बहुत पसंद थी उनके बारे में? उनके बारे में मुझे ये बात बहुत पसंद थी, जो बेअदब लोग थे ना वो उनसे बहुत दूर थी, और जो बाअदब थे वो उनको इतना प्यार देती थी कि जैसे इनकी बहन है, और सारी ज़िंदगी उनको छोड़ती नहीं थी। लजपाल खातून थी, सारी ज़िंदगी उन्हें नहीं छोड़ती थी। जैसा कि उनकी सहेलियाँ थी, अस्करी आंटी थी, वो 50 साल की बहन बनी हुई थी, ऐसी लजपाल खातून थी, सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ती थी जो उनके साथ अच्छा होता था। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतनी पहचान दे रखी थी, उनको पता चल जाता था कि ये शख्स कैसा है, दूर से देख लेती थी, अगर अच्छा होता था सारी ज़िंदगी निभाती थी। बहुत एक्सक्लूसिव थी, ज़्यादा दोस्त नहीं थे उनके, मगर बहुत चुन के अपने दोस्त बनाती थी। जैसे कि आंटी फरीदा खानम है, और वो भी हमारे घर आती थी, हम भी उनके घर चले जाते थे, और वो मैडम आंटी इस्मत भी बहुत प्यार करती थी, वो भी मुद्दतों की दोस्त थी, और आंटी फरीदा खानम बहुत प्यार करती थी, और मैडम जी भी उनकी आशिक़ ज़ार थी, वो भी बहुत प्यार करती थी। हमारा गाना ख़त्म होना, हमने आंटी फरीदा के घर चले जाना, और कभी उन्होंने हमारे घर आ जाना। उनकी बहन जो आपी मुख्तार थी, जी, वो अम्मी की आइडियल थी, ये तो मैंने किस्सा बहुत दफ़ा सुना है, आप भी सुनाइए। हाँ मैं सुनाता हूँ। आंटी फरीदा खानम की बहन जो थी मैडम जी की आइडियल थी। उस ज़माने में थिएटर में लोग गाया करते थे, तो वो थिएटर में गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी, वाइट कलर की साड़ी बांधती थी, और मैडम जी 8-9 साल की हुआ करती थी, और उनके जूते पकड़ के अपनी झोली में रख लेती थी, और फिर कहती थी या अल्लाह मैं भी बड़ी हो के सफ़ेद साड़ी मुकेश वाली बांधूंगी और इसी तरह गाऊंगी। हम जब भी कराची जाते थे आंटी मुख्तार बेगम के घर सबसे पहले जाते थे, बहुत इत्राम करती थी, बहुत इज्जत करती थी, बहुत प्यार करती थी। अच्छा वो आपने काबुल के बारे में मुझे बहुत ही प्यारा एक किस्सा सुनाया, जिससे अम्मी का पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर होती है। जी जी, वो हम लोग एक चैरिटी शो था काबुल में, हम लोग गए और गाना जब शुरू होने लगा तो एक सियासतदान, बहुत बड़े सियासतदान थे, वो कहने लगे मैडम जी आप मुझसे पहली सी मोहब्बत सुना दीजिए। मैडम कहने की ठहरिएगा,
मैं अपने वतन का सबसे पहले गीत गाऊंगी, उसके बाद आपको मुझसे पहली सी मोहब्बत सुनाऊंगी। तो फिर कौन सा गाना गाया? मैडम जी ने वो गाना गाया, ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। वो अपने वतन को बहुत प्यार करती थी, बेअंदाज प्यार करती थी। मैंने अम्मी से सुना है कि मेहदी साहब का गाना अम्मी ने पहली दफ़ा जो है वो रेडियो पर सुना था, तो उसके बारे में कुछ कही है अच्छी भाई जी। मैं बतलाता हूँ, गुलबर्ग में बड़ी मार्केट थी उस ज़माने में, चंद दुकानें थी, तो आपके अब्बू और मैडम जी पान खाने के लिए गए और जब काफ़ी दूर चले गए तो मैडम जी की आवाज़ उनके कानों में आवाज़ पड़ी, खासा मेहंदी हसन की, ये धुआं कहाँ से उठता है? तो मैडम जी कहने लगी, इजाज़ साहब गाड़ी को टर्न कीजिएगा, ये कौन गा रहा है? उन्होंने टर्न की गाड़ी और उसी दुकान पे चले गए और उनका ये गाना सुना, ये धुआं कहाँ से उठता है। तो मैडम जी ने दिल पकड़ लिया, बहुत ही उन्होंने उनको समझा, इतने सुरीला आदमी कौन है। तो सुबह हमने रेडियो स्टेशन फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ये मेहंदी हसन हैं और ये लाहौर में मौजूद हैं। और मैडम जी ने कहा कि इन्हें कहिए हमारे घर तशरीफ़ लाएं। वो घर आए और फिर उन्होंने गाना सुनाया, मैडम जी ने बहुत बहुत उनको अप्रिशिएट किया, प्यार दिया। और फिर ऐसा हुआ कि वो हर रोज़ ही आ जाया करते थे, गाना सुनाते, खाने खाते, बहुत अच्छे इंसान थे वो भी। बहुत करीबी दोस्ती हो गई। बहुत करीबी दोस्ती हो गई। और बाकी वो फिल्मी गाना, वो ख़ुद भी कहते हैं कि ये फिल्मी गाना मैडम जी से मैंने सीखा, मैडम जी ने मुझे बतलाया किस तरह बोल पकड़ना है, किस तरह छोड़ना है, किस तरह बोल को कहना है कि बोल उठे, वो ख़ुद कहा करते थे। अक्सर मैंने रेशमा जी को भी देखा है हमारे घर आते, और अम्मी से उनकी बहुत दोस्ती भी थी। रेशमा जी जो थी वो अम्मी के करीब कैसे आई? मैं बताता हूँ, उस ज़माने में ये बेचारी इतनी इस्टेब्लिश नहीं थी, ये लोगों के घरों में बाहर खड़ी होकर गाया करती थी। तो मैं दोपहर का टाइम था तो इसने गाना गाया तो मैडम जी बेजार हो गई और बाबा जी को कहने लगी कि बाबा जी ये कौन गा रहा है? तो कहने लगे एक औरत है, दो औरतें आई हुई हैं। तो मैडम जी कहने लगी इनको कमरे अंदर बुलाएं। उनको अंदर बुलाया, जब गाना सुना तो उनके अपने रूम में ले गई, गाना सुन के बहुत खुश हुई और उस ज़माने में 5,000 रुपया उसको दिया। रेशमा इतनी दुआएं दे के गई और फिर मैडम जी ने उन्हें मशवरा दिया, रेशमा तुम्हारा गाना बहुत अच्छा, तुम सुर में गाती हो, तुम रेडियो में गाओ। तो उनके कहने पे ये फिर रेडियो में गई। और फिर ऐसा होता था कि कभी टीवी में गाना लगाए ना तो मुझे कहना अच्छी मियाँ जाओ इसे बुला लाओ, मुझे गाड़ी देती, मैं रेशमा को लेके आता घर, उनको खाना खिलाती, गाना सुनती, कभी 20,000 कभी 30,000 दे देना। तो वो इतनी दुआएं देती थी मैं बता नहीं सकता। अच्छी भाई, मैंने बचपन में एक तस्वीर देखी है अम्मी की, बड़े ग़ुलाम अली की और नुसरत फ़तेह अली छोटे से बच्चे पास में खड़े हुए हैं। वो तस्वीर मुझे बड़ी यादगार भी लगती है क्योंकि फिर वो बड़े होके इतने नामवर जो हैं वो सिंगर भी बने। तो अम्मी ने उनके साथ कुछ डुएट्स भी गाए हैं, उनने कुछ अम्मी की कॉम्पोजिशंस भी की हैं। आपको कौन सी कॉम्पोजिशन पसंद है? मुझे नुसरत फ़तेह अली की कंपोजिशन, दो गाने उन्होंने ड्यूट गाए थे, तेरे बिना रोगी होए मेरे नैन एक और था, और फिर एक उन्होंने ट्यून बनाई थी साहिब तेरी बंदियां चंगियां के मंदियां,
बहुत पसंद करती थी नुसरत फ़तेह अली को, और वो भी इतनी इज़्ज़त करता था, जब हम इंटर होते थे तो वो खड़ा हो जाता था, बहुत चाहता था, बहुत इज़्ज़त करता था। और मैडम जी भी बहुत प्यार करती थी, इज़्ज़त करती थी, अपने भाइयों की तरह समझती थी। आपने ज़िक्र किया कि अम्मी को बादब लोग जो हैं वो बहुत पसंद थे, और मैनाज का नाम जो है वो सर फहरिस्त है, अम्मी की वो फेवरेट थी, अम्मी को बहुत पसंद थी, क्योंकि अब अम्मी की बहुत इज़्ज़त किया करती थी। बिल्कुल बजा है, वो मैडम जी की इतनी इज़्ज़त करती थी कि मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं बखुदा। और दिल से चाहती थी और दुआ गो भी थी, और मैडम जी भी बहुत प्यार करती थी, और वो उन्हीं के साथ ड्यूट गाना पसंद करती थी कि मैं इन्हीं के साथ ड्यूट करना है। बहुत सारे पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ अम्मी की बहुत एसोसिएशन रही है, बट एक उनकी बहुत ही आई वुड से बहुत ही इंटेंस और हमेशा रहने वाली जो उनकी दोस्ती थी, प्यार था, मोहब्बत थी, वो लता जी से थी। ये तो मुझे भी याद है कि जब भी हम जाते थे, हर साल लंदन जाते थे, तो लता जी के लिए अम्मी सेल्फ्रिजेस में मैसेज छोड़ देती थी। जितने वो मेकअप काउंटर वाली थी वो सब जानती थी अम्मी को, तो मैसेज छोड़ देना, और जैसे लता जी लंदन लैंड करती थी वो फ़ौरन को मैसेज मिल जाता था और अम्मी का नंबर मिल जाता था। तो जैसे नंबर मिलते थे तो वो फ़ौरन मुलाकात करती थी, और वो फ़ौरन कोई ना कोई गेट टुगेदर जो है वो प्लान करके आपस में मिला करती थी। तो आप भी अक्सर लता जी को मिले हैं अम्मी के साथ, बहुत दफ़ा मिले हैं, आपने तो बहुत सारे खाने पकाए हैं लता जी के लिए। जी जी, मैंने और मिल के जब लता ने फ़ोन करना तो मैंने उठाना, अच्छी मियाँ मैं आ रही हूँ, दीदी को बोल दे, हमने मैंने कहना ठीक है। और एक बार ऐसा हुआ कि उसने फ़ोन किया तो मैंने कहा दीदी आप नहीं आइएगा, हम आएंगे आपके पास। मुझे कहने लगी अच्छी मियाँ क्या बात कर रहे हैं, मैं तो दीदी की चप्पलों की राख हूँ, मुझे पाप लगेगा, मैं खुद आऊँगी। जब वो आती थी बराबर नहीं बैठती थी, कहती थी मैं नीचे बैठूंगी, आते ही पाँव में पड़ जाती थी। बाकी मैडम जी भी बहुत प्यार करती थी, मैं और मैडम जी मिलके खाना बनाया करते थे, दो प्याज़ा बना लिया, नरगसी कोफ्ते बना लिए बिटिया, और बड़े मज़े से खाती थी वो। और फिर हमने कभी कहना मैडम जी को, वो गाना बड़ा पसंद था, ए दिले नादान, कहा लता ये तो सुनाओ, फौरी उसने सुनाना शुरू कर दिया। बहुत एहतराम करती थी, बहुत प्यार करती थी। और आशा जी भी आती थी, और उन दिनों लंदन में आर डी बर्मन जी का सर्जरी हुई थी, और आशा हमारे घर आई लंदन में और कहने लगी कि उनकी सर्जरी हुई है। तो मैडम जी ने कहा कि आशा आप आएँ, हमें भी हॉस्पिटल ले जाइएगा। दूसरे दिन आशा जी आईं और हमें हॉस्पिटल लेके चली गईं। दरवाज़ा खोलते ही कहने लगी देखो रानियों की रानी लाई हूँ। आर डी बर्मन 3 रोज़ हुए थे उनकी सर्जरी को, अपने सीने पे तकिया रख के बैठ गया और कहने लगा नूर जहाँ जी मैंने आपका गाना सुन के म्यूज़िक डायरेक्टरी सीखी, और मेरे दिल की इच्छा है कि आप मुझे राखी बांधे। हम 8 दिन के बाद फिर उन्होंने बुलवाया हमें, हम गए और राखी बांधनी थी उन्हें। और आशा कहने लगी दीदी यूं लगाने जी चावल लगाने हैं और संदूर लगाना। मैडम कहती आशा आपको मालूम है ना मेरा ब्रॉटअप कहाँ हुआ बॉम्बे में, मैं जानती हूँ। और फिर मैडम जी ने उसी तरह उनको तिलक लगाया, फिर राखी बांधी, फिर उन्होंने बहुत उनके पाँव छुए और हाथ बांध के खड़ा हो गया और बहुत खुश हुआ। और मैडम जी ने भी बहुत दुआएं दी, उन्होंने भी बहुत दुआ दी। बिटिया मैं बता नहीं सकता, जब शब रात आनी या ईद आनी, थानों के थान आ गए, सबके एक एक जोड़ा बना दिया, सर्दियाँ साथ शॉलें आ गई हैं, सारे फ़कीरों को बांट देनी बिटिया। और हर गाने में
पैसे निकालती थी, 50,000 है, लाख है, 1.5 लाख है, जितना भी है, हर जुमेरात सब फ़कीरों को बांट देना। इतनी अजम खातून थी। मैं अपने जज्बात की तर्जमानी नहीं कर सकता बखुदा, कितनी बड़ी खातून थी। और अल्लाह ताला ने दिया था ना उन्हें, तो दिल भी दिया था, और इतना अच्छा दिल दिया था। परवरदिगार सबको ऐसा दिल दे जैसा कि मैडम जी का दिल था। बिटिया, हम लोग रिकॉर्डिंग करके आए रात के 2 बजे। एक हमारे गेट के पास खड़ा है बूढ़ा आदमी, और गाड़ी रोक ली। कहा, बाबा जी क्या बात है, आप इस वक्त खड़े हैं? कहते, पुत्र मैं तेरे नल गल कर दी। कहा, गेट खोलो, बाबा को पानी पूछो, खाना खिलाओ, फिर मैं आती हूँ। फिर ड्रेस चेंज करके मैडम जी आई, उनको खाना भी खिला दिया, और कहा, हाँ बाबा जी मुझे बतलाएं क्या बात है। वो कहने लगा, मैडम जी मेरी तीदा ब्याह आए थे, मैंने पैसे दी ज़रूरत है, तो खुदा दा वास्ते मेरी मदद करो। आपको मालूम है लोग बाज ऐसे होते झूठ ही कह देते हैं कि मेरी बेटी की शादी है। तो उन्होंने कहा, बाबा जी वाकिया ताड़े तीदी शादी है? उन्होंने कहा, मुझे मदीने वाले की कसम मेरी बेटी की शादी है। कहले कि बस करे बाबा, अब नहीं बोले, आपने मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया। गाने के पैसे मेरे पास ही होते थे, उसी वक्त मुझे कहने लगी, अच्छी मियाँ 50,000 ही नहीं दे दे। मैंने उसी वक्त उनको 50,000 दे दिया, और देने के बाद ड्राइवर को बोला, इनका घर देखिए। ड्राइवर हमारा घर देख के आया, और डेट पूछ के आया कि कौन सी डेट को इसकी बेटी की शादी है। जब शादी थी, डेट आई, एक सोने का सेट, 5 जोड़े उनकी बेटी को दे के आए। वो तो बूढ़ा उन पाँव में गिर गया, वो जो जिसकी जो बेटी थी उसकी, वो तो इतना रोई और मैडम जी के कदमों में पड़ गई। मैडम जी कहने, नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना करें। आप लोग सब जानते हैं कि अम्मी ने 2 म्यूज़िकल प्रोग्राम्स किए थे PTV के लिए, तरन्नुम 1 और कुछ सालों के बाद तरन्नुम 2। मगर आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि इन दोनों प्रोग्राम्स का सेहरा जो है वो अच्छी भाई के सर जाता है, क्योंकि यही हैं वो शख्स जिन्होंने अम्मी को कन्विंस किया, जिन्होंने ये प्रोग्राम पूरा उनके साथ बनवाया, उनकी मदद की, उनको सपोर्ट किया, एंड दे वर अ सुपर हिट। तो आज अच्छी भाई उन प्रोग्राम्स की एक कहानी आपको सुनाना चाहते हैं। ऐसा था कि सबको मालूम था कि मैं मैडम जी के पास हूँ, उनका बेटा बना हुआ, बना क्या था, तो वो कहते थे, अच्छी मियाँ खुदा के लिए मैडम जी को बोले कि वो TV पे आए, हम बहुत तरसते हैं उनकी सूरत देखने के लिए। हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, औरतें भी मर्द भी। मैडम जी से मैंने बात की, मैडम जी कहने लगे, नहीं अच्छी मियाँ मैंने नहीं करना। मैंने कहा, खुदा के लिए आपको मेरी कसम, जब बखुदा मैं अपनी कसम डाल देता था उसी वक्त पूरा करती थी, खुदा ने गरीब के रहमत करे। कहते, अच्छा अच्छी मियाँ ठीक है, मैं करती हूँ, 3 शर्तें हैं फिर करूँगी। मैंने कहा, फरमाइए। सबसे पहली शर्त ये है, जो तुम 2 दिन अपने घर जाते हो वो नहीं जाना। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सारी गज़लें आपने निकालनी हैं। मैंने कहा, बजा। तीसरा, नज़र साहब को लेके आना है। मैंने कहा, वो भी ठीक है। सारी गज़लें मैं ढूंढता था, नज़र साहब को लेने के लिए उनको घर से लेके आता था, और मैडम जी इतना इत्राम करती थी, इतना प्यार करती थी, वो ख़ुद अपने हाथ से खाना बना के उनको खिलाती थी। जब धुन बन जाती, सुनती, बहुत खुश होती। आपका सबसे ज़्यादा जो मुझे बात पसंद थी कि रिकॉर्डिंग के वक्त आप अम्मी की साड़ियाँ चूज़ करते थे, अम्मी का जेवर चूज़ करते थे, क्या पहनना है, क्या सेट के साथ मैच कर रहा है, क्या नहीं पहनना, लाइटिंग कैसे होनी है, इसमें भी आपका बहुत बड़ा हाथ था। आई वुड से कि
a lot of the credit for Tarannum goes to you, Achi Bhai. Thank you. बस हम लोग मेकअप करके आ जाते थे मैडम जी, और टचिंग सिर्फ कर दी है वहाँ पे, और साड़ी चेंज करके फिर हम लोग सेट पे चले गए हैं, लाइटिंग करवाई है, और एक बोल चलवाया मैंने, थोड़ा सा गाना चलाएं, फिर मैं देखता था, अगर मुझे पसंद आया, नहीं पसंद आया, मैंने लाइटिंग चेंज करवा दी। हम लोग फिल्म की तकनीक जानते थे, हमने उस तरीक़े से लाइटिंग करवानी, जब मुझे पसंद आना तो फिर मैंने ओके करना, और मैं अपनी पसंद की साड़ी पहनवाता था, अपनी पसंद का उन्हें जेवर पहनाता था, मेकअप वेकअप हर चीज़। आपकी चॉइस को ट्रस्ट करती थी, उनको पता था कि आप उनके खैर हुआ हैं, अच्छी राय देंगे, हमेशा बेस्ट जो है उनको गाइड करेंगे, तो वो आपको बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट किया करती थी। बहस पे दूसरे बिटिया कहते थे आप तो अच्छी मियाँ की बात मानते हैं, तो वो कहती थी क्या अच्छी मियाँ गलत कहती, क्या गाना ठीक नहीं हुआ, नहीं 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 वो तो ठीक है, कहती बस इतनी बात है। आप उनके फेवरेट थे जी। तो मुझे बताइए नज़र भाई की अम्मी नहायत इतनी इज्जत करती थी और नहायत उनकी फ़ैन भी थी, उनको पसंद भी करती थी, उनको उस्ताद भी मानती थी। बिल्कुल। तो मुझे पता है कि मैंने उनको देखा है, अक्सर हमारे घर आते थे और अम्मी उनके लिए, जैसे आप बता रहे थे, वो खाना भी पकाती थी जी, उनका गाना भी सुनती थी। बिल्कुल सुनती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि एक गज़ल थी, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, जब ये बोल आया ना खुश्क पत्तों की तरह, लोग उड़े जाते हैं शहर भी अब तो नज़र आता है जंगल की तरह, तो इतना रोई मुझे भी रुलाया। उस वक्त GMTV का ये दोनों प्रोड्यूसर फर्रुख बशीर, नजमुल हसन, मैं, हम लोग सभी बैठे हुए थे, बहुत रोई, मुझे भी रुलाया और मुझे कहने लगी अच्छी मियाँ ये चाबी पकड़ो और 50,000 नज़र साहब को दो। उनकी नज़र हर गज़ल पे उनको बखुदा नज़र देती थी, कभी 50,000 दे दिया, और EMI से भी उनको काफ़ी पैसे दिलवाए। और जब हमारी रिकॉर्डिंग होती थी सर्दियों में होती थी, अपने पल जितने पैसे वो TV वाले देते थे वो सभी पैसे म्यूजिशनों को कैमरामैनों को खिला देती थी बिटिया। उस वक्त सर्दी होती थी, रोगनी नान मछली ये सबको खिला रही, सब म्यूजिशनों को, दूध पत्ती की चाय सबको, सिगरेट की डब्बी बखुदा, और जिसने अच्छा बजाया है और उसको इनाम दे रही है, ये लो 2,000 ले लो तुम अच्छे। ऐसी खातून थी, बड़े मज़े आते थे बिटिया। बस वो ज़माने चले गए बिटिया, वो तो सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। जब अम्मी बहुत बीमार हो गई और हम उनको अमेरिका ले गए, उनकी डेथ से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 years बिफोर शी पास्ड अवे, तो अच्छी भाई हमारे साथ ही अमेरिका गए। हम 6 महीने क्लीवलैंड क्लिनिक हॉस्पिटल में रहे। 6 महीने एक बहुत लंबा अरसा होता है, तो दिन रात अम्मी के पास रहना, अम्मी के साथ रहना, उनको अकेला नहीं छोड़ते थे हॉस्पिटल में, बिकॉज उनको अकेला रहना पसंद नहीं था। तो हमें से कोई ना कोई अम्मी के पास होता था, कोई ना कोई बहन होती थी, हमने शिफ्ट्स लगाई हुई थी, और अच्छी भाई मुस्तकिल हमारे साथ होते थे। मैं एक किस्सा सुनाऊँ आपको, 3 बार मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस खातून को दीदार हुआ, मुझे रो रो के बताती थी अच्छी मियाँ मुझे ये ख्वाब आया है, मौला मुश्किल कुशाए ली, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे जा रहे हैं, और कह रही हैं लाइट ही लाइट है, नूर ही नूर है, और मैं पूछ रही हूँ ये कौन है, तो वो कह रहे हैं मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला मुश्किल कुशाए ली। रो रो के बताती थी, वो किसी को नहीं बताती थी सिवाय मेरे, और हर जुमेरात को गुसल करके मौला मुश्किल कुशाइली की न्याज देती थी, और ऐसी गिरेआज़ारी से दुआ करती थी
बाखुदा यूँ महसूस होता था कि मौला मुश्किल कुशा ही हाजिर हो गए हैं, और रो रो के दुआ मांगती थी। अच्छा भाई, जैसे कि आपको मालूम है, हम दोनों को मालूम है जी जी, अम्मी जो हैं वो शायरी भी करती थी, बिल्कुल उनको बहुत शौक़ था शेर सुनने का भी, और जो है वो लिखने का भी बहुत शौक़ था। मुझे एक किस्सा याद है कि बड़े अब्बा के साथ जब अम्मी की शादी हुई थी तो वो एक दफ़ा उनको मुशायरे पे ले गए, तो जब रात को घर वापस आए तो अम्मी ने उस मुशायरे में जितने भी शेर पढ़े थे और नज़में पढ़ी थी, अम्मी ने आके सब उनको सुना दी। उनको शायरी का इतना शौक़ था, तो मुझे इतना पता है कि वो ख़ुद भी लिखती थी, और मैंने सुना है कि कई अम्मी के अच्छे जानने वाले जो शायर थे वो अम्मी की शायरी की इस्लाह भी करते थे। उसमें से एक अहमद फराज थे, हज़ी कादरी और ख्वाजा परवेज, और हम उनके घर भी जाते थे, कतील शफाई। हाँ। इनको बुला के कहा कि ये देखिए मैंने सही लिखा है, वो कहने लगे मैडम जवाब नहीं, और ख्वाजा परवेज तो कहने लगे मैडम जी हूँ साड़ी रोजी ते भी हाथ मारन लग गए हो तुसी। देखो कैसा कमाल दा लिखिया मैडम जी ने, ए हुण साड़ी रोजी ते भी हाथ मारन लग गए। बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आए, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स चले गए, मगर अम्मी ने ना कभी किसी से कुछ मांगा, ना कभी कोई एप्लीकेशन दी, ना कभी कुछ रिक्वेस्ट की। ऐसा ही वाकया एक ज़ियाउल हक साहब के साथ है, आप बताना पसंद करेंगे? जी भाई जी, बिल्कुल बतलाऊंगा। ऐसे ज़ियाउल हक का ज़माना था, हम गए, उन्होंने जी हम लोग गए, और ज़ियाउल हक कहने लगा मैडम जी आपको कुछ चाहिए, बताएं क्या चाहिए आपको। मैडम जी कहने लगी मैं अल्लाह से मांगती हूँ, और आप भी अल्लाह से मांगते, मैं बंदों से नहीं मांगती, मैं अपने अल्लाह से मांगती हूँ। अच्छा भाई, आज मैं आपसे एक जो है राज अम्मी का पूछूंगी जी, और जी। वो राज ये है कि अम्मी सबसे ज़्यादा किस बच्चे को प्यार करती थी? मैं ये बतलाऊँ, वो 6 के 6 बच्चे उनकी आंख का तारा थे, सबको प्यार करती थी, खास करके आपको, अकबर भाई जान को, हुमाबाजी को भी, मेरा खुदा गवाह है। हर बच्चे को लगता था कि शायद उसी से ज्यादा प्यार नहीं, वो सबको एक जैसा ही प्यार करती थी। याद है आपको, पता नहीं क्या बात हुई तो आप ऐसे नाराज हो गई, कहने के चिमिया हिना मुझसे नाराज़ हो गई, मुझसे पता नहीं क्या बात निकल गई मुँह से, यार उसे मनाओ, तड़प उठी, फिर फौरन आपको गले लगा लिया। बिटिया आप तो आंख का तारा हैं, सारे बच्चों को इतना प्यार करती थी, ये नहीं कि सबसे उसको ज़्यादा है उससे ज़्यादा है, सबको इक्वल, उनकी जान उनके बच्चों उनकी बच्चों की जान उनमें थी, और बच्चे भी बहुत प्यार करते थे, और बेटियों ने इतनी माँ की खिदमत की है क्लीवलैंड में, मैं बता नहीं सकता। आप लोगों ने भी जन्नत खरीदी बिटिया, आपने भी इतनी अम्मी की खिदमत की है, हमारे साथ मिलके क्यों बता नहीं सकता। अल्लाह ताला इस चीज़ की जज़ा आपको देगा, मेरा परवरदिगार, इंशाल्लाह। अच्छा भाई, मुझे मालूम है कि आप अम्मी से बेहद प्यार करते थे, और आपको अम्मी की हर बात पसंद थी, अपने माँ बाप को छोड़कर किसी के पास रहने आना बहुत बड़ी बात है, सो आई नो यू लव्ड हर, यू अडोर्ड हर, मगर फिर भी इन सब आदत में आपको अम्मी की कौन सी एक ऐसी आदत थी जो बहुत ही सबसे ज़्यादा पसंद थी? मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती थी, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बेअदब लोगों से बहुत दूर थी, अगर किसी ने कोई गलत बात की है उसे डांट दिया है, और 5 मिनट के बाद बिटिया मुझे कहने लग गई अच्छी मियाँ इन्हू बुला, मैं इन दे कोलो माफ़ी मंगा, अगर ये मैनू माफ़ नहीं करेगा मेरा रब नहीं माफ़ करेगा। फिर मैंने उसे बुलाना, मैंने कहना भैया इधर आए, वो आ गया तो यूँ हाथ बांध के ऐसे खड़ी हो गई,
खुदा दा वास्ता मैनू माफ़ कर, अगर तू मैनू माफ़ नहीं करेगा तो मेरा रब नहीं मैनू माफ़ करेगा। बा खुदा वो दिल से माफ़ करता था। मैडम जी के बाद इन्होंने उतना ही प्यार दिया। इन्होंने मुझे ये नहीं समझा कि वालदा फौत हो गई हैं तो अच्छी भाई कौन है, ऐसा नहीं किया। इन्होंने भी उतना ही प्यार दिया है जितना कि मैडम जी मुझे देती थी। मैडम जी मेरी माँ भी थी, मेरी बहन भी थी, मेरी फूफी भी थी, और अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, तीनों बहनों को, सारी फैमिली को, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना इत्राम करते हैं मेरा। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इनका हुक्म सर आँखों पे, इन्होंने कहा कि अच्छी भाई आपने आना है और आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा मेरी जान हाजिर है, और हकीकतन मेरी जान कुर्बान है मेरी बहनों के लिए। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, सदा खुश रहे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ हर बला हर मुसीबत से बचा के इन सब घर वालों को, मेरी मैडम की सारी फैमिली को सलामत रखे। आमीन समय आमीन। मैं सबको आदाब करता हूँ। आई एम रियली हैप्पी टुडे। अच्छी भाई ने इतना वक्त निकाला, न्यूयॉर्क से आए हुए हैं पाकिस्तान, लाहौर आए हुए थे, मगर मेरी रिक्वेस्ट पे स्पेशली कराची आए हैं ये रिकॉर्डिंग करने के लिए, ताकि आप सबके साथ अम्मी की बातें शेयर कर सकें, अम्मी के साथ गुजारे वो जो लम्हात हैं, जो वाक़े हैं, जो कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं ज़िंदगी की, वो आप सबके साथ वो शेयर करना चाहते थे। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना वक्त अपना निकाला और हमें अम्मी की इतनी अच्छी अच्छी बातें बताईं। अम्मी के जाने के बाद भी वो हम सबसे इतना प्यार करते हैं, हमेशा हमारी इज्जत करते हैं, पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, हमारे लिए हमेशा वक्त निकालते हैं, फ़ौरन आ जाते हैं, हमें बहुत सारा ढेरों जो है वो टाइम देते हैं, प्यार देते हैं, हमारे लिए खाने भी पकाते हैं अम्मी की तरह। अम्मी की याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है, अम्मी का दो प्याज़ा भी बनाते हैं, और इट्स लवली टू स्पेंड टाइम विद हिम। सो आई एम सो ग्लैड दैट टुडे आई वाज एबल टू शेयर अ बिट ऑफ माय मदर्स लाइफ, बिट ऑफ माय मदर्स प्रोफेशनल लाइफ, थोड़ी सी घरेलू ज़िंदगी की बातें भी की हमने, और अच्छी भाई को खूब रुलाया भी आज हमने, बहुत सारा रुलाया है। So I'm really happy that I got to share him with you. So take care and have a wonderful evening.